देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं मौजूद हूँ बंस रोड पर और बंस रोड पे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ नया और कुछ बहुत ही मीठा और ठंडा डाइट। आखिर क्या? आइसक्रीम। जी बिल्कुल, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ होती है जो आउटिंग में मस्ट होती है। मतलब अगर फैमिली के साथ बाहर जाना है तो आइसक्रीम खाने जाना है, खाना वाना खाना है, तो उसके बाद एक टच, एक स्वीट टच होता है, वो होता है आइसक्रीम। तो इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ हेलोडोस आइसक्रीम की जगह पर, जो कि बहुत ही मशहूर है अपने फलूदे से और अपनी आइसक्रीम से। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और इनका मिल्क शेक है, इनका स्पेशली फलूदा है। तो अब लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आइसक्रीम है जो कि बहुत मशहूर है, और मैं ट्राई करूँगी और दूँगी इस वीडियो में प्रॉपर फूड रिव्यू। यहाँ पर जो है ये क्या बना रहे हैं आप? ये मैग्नम। मैग्नम बन रही है। अच्छा, जो मैग्नम बन रही है और सामने के कस्टमर्स आए हैं, तो अभी उनको बता रहे हैं कि हमें क्या क्या इसमें फ्लेवर चाहिए। तो ये मैग्नम होती है और इसको डिप किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब नॉर्मली आप यहाँ पे मैग्नम को अपने स्टाइल से जो है ट्राई कर सकते हैं। ये चॉकलेट चिप्स है, ये ओरियो हो गया, और ये सारी चीज़ें होंगी, वो बंटी होगी और वो चॉकलेट चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ओवर इज़ अप टू यू कि आप आके मैग्नम को डबल ट्रिपल में अपना टेस्टली, मतलब इसको ज़्यादा कर सकते हैं भरपूर। इसकी क्या प्राइस है? ये 100 मैम। अच्छा जी। इसको हम लोग जो है ना चॉकलेट में डीप करते हैं, ठीक है। चॉकलेट में डीप करने के बाद उसके बाद हम टॉपिंग वगैरह करते हैं। अभी टॉपिंग जो करवाना हो तो कस्टमर के हिसाब से हम वही टॉपिंग करवाते हैं। ये आपका या ओरियो, ओके, और ये स्प्रिंकल आ गए आपके, ठीक है, चॉकलेट चिप्स आ गए, वाओ, और इसके बाद हमारी फिर बंडी की टॉपिंग हो जाती है। तीनों को चूज कर सकते हैं, कोई सा भी आप जो है ना वो करवा सकते हैं। तो विद इन 100 रुपीज़ में ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मज़े की चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और 100 रुपीज़ में। नॉर्मल भी आइसक्रीम मिलती है तो वो आई थिंक नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। जितनी भी यहाँ पर आइसक्रीम्स वगैरह हैं ये सारी खुद बनाते हैं? जी, हमारी अपनी खुद ही बनती है, जितनी भी आइसक्रीम है हमारी खुद यहाँ पे लाइव बनती है। अब जैसे कि ये ऑर्डर्स कर रहे हैं, इनकी भी वही मुनासिब प्राइस है? जी, मुनासिब प्राइस है। 250 का हाफ पैक पड़ेगा और 450 का हमारा फुल पैक पड़ेगा, और इसके अलावा फिर कोन है 130 की पड़ेगी। अच्छा, हमारा नॉर्मल आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, कोई ऐसा कोई यूनिक, कोई हटकर जो बहुत वायरल हो, बहुत खास हो? सबसे खास फ्लेवर हमारा बेस्ट है काजू रबड़ी। अच्छा, काजू रबड़ी आप टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप मुझे कौन सा बता रहे थे? काजू रबड़ी है हमारा सबसे बेस्ट फ्लेवर है हमारा सबसे। अच्छा, ये काजू रबड़ी इनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। इसमें हमारी फिर काजू रबड़ी स्पेशल भी बनती है, जो हेलोडोस की सबसे स्पेशल आइसक्रीम है वो काजू रबड़ी में ही बनती है। उसमें खीर रबड़ी और आइसक्रीम तीनों चीज़ होती है। बहुत मज़ेदार टेस्टी है, मतलब ये रबड़ी टाइप का टेस्ट आ रहा है और आइसक्रीम है, तो ये तो फर्स्ट टाइम हो जाएगा बस रोड पर आपको आके यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। तो अभी आप क्या बनाएंगे? आप जो कहेंगे हमारे स्पेशल है, फिर काजू रबड़ी स्पेशल है, वो आपको अगर ट्राई कर दें वो मैं आपको बना के दिखा सकते हैं। वो बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, फिर आपको बताऊंगी कितने मज़े की है। ओवरऑल यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसे कि आपने ये देख सकते हैं कि मैग्नम के ऊपर जो इन्होंने एक लाइक कि आप यहाँ पर विद इन 100 रुपीज़ में इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इनके आइसक्रीम्स के बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। इनकी एक आइसक्रीम कोन बनती है लाइव बिल्कुल, जो कि एक लाइव है और लोग ज़्यादातर इन्जॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ओवरऑल बहुत मशहूर है ये और एक साल हो चुका है इनको, और यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर आप रमज़ान में जैसे अफ्तारी के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ मीठे में कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ और इस वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से बन रहा है इनका स्पेशल। आप देखिए, ये हमारा काजू रबड़ी है, लेटो का स्पेशल है, वो आपको टू फ्लेवर काजू रबड़ी के डलते, टू फ्लेवर है। इसके बाद हमारी ऊपर रबड़ी डलती है। ओके, आए मैं आपको रबड़ी डलवा रहा हूँ। और इसके बाद
फिर वहाँ से जो है ना हमारी वो टॉपिंग होती है काजू रबड़ी की। अच्छा, वो आप देख सकते हैं कोकोनट की टॉपिंग होती है, काजू की टॉपिंग होती है, और तीसरा स्कूप हमारा काजू का डलता है। अच्छा, इसके बाद हमारी बाकी टॉपिंग वहाँ से होती है। आपको ठीक हो गया? ओके, कोकोनट डल गया, गुड हो गया। कोकोनट के बाद हमारा फिर तीसरा स्कूप काजू का डलता है। काजू का डलता है, वाओ। इसके ऊपर फिर काजू की टॉपिंग हो जाती है। ओके, इस पे काजू की टॉपिंग होगी और जो काजू है वो यहीं पर होगा। सही, तो ये आप लोगों की स्पेशलिटी, ये स्पेशलिटी हमारी जो है यहाँ की काजू रबड़ी। ये रेडी हो चुका है? ये रेडी हो चुका है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, ट्राई करके आप देख सकते हैं, खा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये है स्पेशल काजू रबड़ी जो कि सिर्फ 300 रुपीज़ की है, तो उसको ट्राई करते हैं। और ये है यहाँ की सबसे स्पेशल, और उन्होंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया था क्या प्रोसेस है इनका, तो भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। इनकी आइसक्रीम नो डाउट बहुत मज़े की है। बेहतरीन है, बहुत मज़े का है, और आई थिंक आपको भी यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। इसके साथ साथ मैं अब जब अपनी आइसक्रीम बनाऊंगी विद इन 100 रुपीज़ की, तो उस पर क्या क्या कोटिंग करूंगी वो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। बहरहाल की आइसक्रीम बहुत मज़े की, और उनके बाकी फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आके आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बंसरों की सबसे मशहूर चीज़ है। तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपीज़ की जो है ये मैं खुद बनाऊंगी, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नम। तो इसे मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ। ओके, तो इसे मैं डिप करूँगी। ये डार्क चॉकलेट है? ओके, तो डार्क चॉकलेट से हम इसको डिप करते हैं, और ऐसे हो गया। और इसके ऊपर मैं ट्राई करूँगी बंटीज, क्योंकि बंटीज मेरी बहुत फेवरेट है। और चॉकलेट के साथ साथ मुझे और क्या ट्राई करना है, और मैं ट्राई करती हूँ ये, क्योंकि आप देख सकते हैं विद इन 100 रुपीज़ की ये मैग्नम रेडी हो चुकी है। तो उसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। यहाँ पर आके जरूर ट्राई करना चाहिए आपको, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इनका फलूदा बहुत मज़े का है, और बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बंस रोड पर यहाँ पर आके जरूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान के बाद इनकी टाइमिंग ओपन होती है, ओवरऑल डे टाइम भी होता है यहाँ पर, डे टाइम भी होता है, लेकिन अफ्तारी के बाद आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। अपनी फैमिली के साथ आए, बहुत स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।